14 अगस्त को सुबह 9 बजे विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर ड्रैगन पैलेस मंदिर से तिरंगा मार्च शुरू किया गया था। विशेष रूप से एडवोकेट सुलेखा कुमरे की मातोश्री नलिनी कुमरे ने तिरंगा झंडा दिखाकर इस तिरंगे मार्च का उद्घाटन किया। इस मार्च का नेतृत्व ड्रैगन पैलेस मंदिर के प्रमुख और ओगावा सोसाइटी के अध्यक्ष ने किया। सुलेखाताई कुमरे ने प्रदर्शन किया और फिर ड्रैगन पैलेस मंदिर में एक विशेष बुद्ध वंदना की गई। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। 75 मीटर लंबा तिरंगा झंडा महिलाओं द्वारा दादा साहब कुंभारे बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया था। इस तिरंगे झंडे के दोनों ओर से छात्र, सामाजिक संगठन, ओगावा सोसाइटी के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में शैक्षिक संगठनों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इस मार्च में हिस्सा लिया। तिरंगा मार्च ड्रैगन पैलेस मंदिर से शुरू होकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक एवं अनुसंधान केंद्र पहुंचकर समाप्त हुआ। समापन समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवतियों ने उत्साहवर्धन किया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान के साथ तिरंगा मार्च सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम को यशस्वी बनाने हेतु अजय कदम, रेखा भावे, वंदना भगत, राजेश शंभरकर, सुनील वानखेड़े, सुशील ताइडे, सचिन नेवारे, महेंद्र मेंढे, चंदू कापसे, भीमराव आड़े, नरेश बावनकुड़े, अशफाक कुरेशी, वैशाली अढ़ाऊ, निशा कापसे, संध्या मानकर व इनके अन्य सहकारियों ने अथक परिश्रम किए। आपण संपूर्ण देशामध्ये 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आजादीचा स्वतंत्र महोत्सव आपण अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत, त्यानिमित्ताने मी सर्व देशवासियांना खूप खूप अभिनंदन करते आहे, शुभेच्छा देत आहे। आणि विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलमध्ये एक तिरंगमय वातावरण तयार झालेलं आहे। आज जो या ठिकाणी भेट देत आहे त्याच्या हातामध्ये तिरंगा दिसत आहे, त्यामुळे हे वातावरण फक्त विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलमध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये घरोघरी जे तिरंगा लावण्याची एक मोहीम सुरू झालेली आहे, त्यामुळे संपूर्ण देश हे तिरंगामय झाले असं मला वाटतं। या महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिकांनी हा संकल्प केला पाहिजे की भारत देश महान है, इसको दुनिया के नजर में कैसे और ऊंचा बनाया जाए, अशा पद्धति से अपना देश तैयार करने त्याच्यामध्ये अपना योगदान देने हा संकल्प या निमित्ताने करना पाहिजे। कारण संपूर्ण जगामध्ये तोडणे असं भारताचा हा संविधान है जो बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे, तर या संविधानाच्या माध्यमातून या देशामध्ये समानतेचा अधिकार आहे, मग तो गरीब असेल श्रीमंत असेल, सर्वांना एकसारखा जो अधिकार दिलेला आहे तो जगामध्ये कुठेच नाही आहे। त्यामुळे हा महोत्सव साजरा करत असताना आपण जगामध्ये आपलं स्थान कसं तयार होईल भारताचं हा संकल्प या निमित्ताने केला पाहिजे, अशीच मी या ठिकाणी सर्वांना आवाहन करते आहे। आणि परत या ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या माध्यमातून आम्ही एक फार मोठं VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।